बेस्ट कॉलेज इन मध्य प्रदेश, वेलकम टू गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर विथ ग्लोरियस हिस्ट्री एंड अवॉर्डेड स्पेशल हेरिटेज स्टेटस। संस्कारधानी जबलपुर के सशासी शासकीय विज्ञान महाविद्यालय का जीवन इतिहास 184 वर्ष का है, जो कि सन 1835-36 में सागर में स्थापित हाई स्कूल के साथ सागर कॉलेज के नाम से स्थापित होता है। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के 3 वर्ष बाद यानी 1860 में यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। 13 वर्ष बाद 1873 में यह सागर से जबलपुर स्थानांतरित हुआ और मिलोनीगंज की सराय में स्थापित संस्था को नाम मिला जबलपुर कॉलेज। इसी में 1880 में राजकुमार कॉलेज भी प्रारंभ हुआ, जो 1893 में रायपुर स्थानांतरित किया गया। पर इसके पूर्व 1891 में जबलपुर कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो गया था। 1896 आते तक विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी और स्कूल और कॉलेज पृथक हो गए थे। अब कॉलेज सराय से लाख खाना की इमारत में आ गया था। 20वीं सदी शुरू होते होते कक्षाओं और विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ी कि कॉलेज का संचालन लाख खाने की इमारत में मुश्किल हो गया था। अतः 1911 में ग्राम गोकुलपुर के पास नवीन इमारत का निर्माण शुरू हो गया, जिसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 1916 को मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर सर बेंजामिन रॉबर्टसन ने किया और उन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम पड़ा रॉबर्टसन कॉलेज। यह कॉलेज 1923 में नागपुर विश्वविद्यालय तत्पश्चात 1946 में सागर विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। सन 1947 में देश को आजादी मिली और इसका नाम पड़ा महाकौशल महाविद्यालय। विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या और कला और विज्ञान के विस्तार के साथ जगह की कमी खटकने लगी। अतः 1956 में पचपेड़ी में 2 नए भवनों का निर्माण हुआ और एक ही प्रशासन के अंतर्गत महाकौशल महाविद्यालय को स्थानांतरित किया गया, जो 1957 में स्थापित जबलपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ, जो वर्तमान में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1 मई सन 1962 को विद्या अध्ययन की प्रगति ने एक बार फिर विभाजन की रेखा खींची और 2 महाविद्यालयों का रूप दिया, शासकीय महाकौशल कला महाविद्यालय और शासकीय विज्ञान महाविद्यालय। सन 1985 में शासकीय विज्ञान महाविद्यालय को आदर्श विज्ञान महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ और सन 1990 में इस महाविद्यालय ने ऑटोनोमस का दर्जा प्राप्त किया। स्थापना काल से एक सदी तक प्राचार्य पद अंग्रेज विद्वानों को ही प्राप्त था। सन 1938 में प्रथम भारतीय प्राचार्य श्री M.M. गांगोली ने पदभार ग्रहण किया। सन 1939 में श्री ज्वाला प्रसाद प्राचार्य हुए, जिन्होंने अंग्रेजी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा प्रारंभ की। सन 1945 में प्राचार्य डॉक्टर S.C. धर ने एप्लाइड गणित में स्नातकोत्तर कक्षा प्रारंभ की। सन 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए नाम महाकौशल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर M.G. शब्दे, जो कि PhD DSC थे, उस समय के हिसाब से अति शिक्षित माने जाते थे, कि कार्यकाल में सर्वाधिक स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू हुई। सन 1948 में भौतिकी, 1950 में वनस्पति शास्त्र, 1952 में भूविज्ञान और प्राणी शास्त्र, 1955 में रसायन शास्त्र। इसके बाद के प्राचार्यों के विशिष्ट प्रयास इस प्रकार हैं। सन 1956 डॉक्टर R.L. निरूला जबलपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध। सन 1958 श्री U.D. मुखर्जी प्रथम रॉबर्टसोनियन साइंस कॉलेज पृथक हुआ। सन 1962 श्री G.R. इनामदार प्रथम वार्षिक पत्रिका ज्योतिर्मय का प्रकाशन एवं स्नेह सम्मेलन, अतिथि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1970 में द्वितीय रॉबर्टसोनियन डॉक्टर K.S. राठौर। सन 1972 में B.Sc. में मिलिट्री साइंस प्रारंभ किया। 1980 में तृतीय रॉबर्टसोनियन श्री S.K. मिश्रा प्रथम छात्रावासी पोस्ट सेंटेनरी समारोह। सन 1988 में स्नातकोत्तर पर्यावरण विज्ञान।
सन 1988 प्रथम रॉबर्ट सोनियन डॉक्टर आर बी मालवी के प्राचार्य रहते हुए महाविद्यालय स्वशासी हुआ। सन 1990 डॉक्टर आर एन त्रिपाठी ने महाविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री शुरू करवाई। सन 1993 में डॉक्टर विजया चौहान प्रथम महिला प्राचार्य कला संकाय से प्राप्त हुई। सन 1994 में पंचम रॉबर्ट सोनियन डॉक्टर एम बी पटेल जिन्होंने 1995-96 में कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर मेंटेनेंस कोर्स शुरू किया। सन 1997 में डॉक्टर श्रीमती एस त्रिपाठी छठवी रॉबर्ट सोनियन प्राचार्य थी। सन 1997 में डॉक्टर ओ पी शर्मा जी ने प्राचार्य पद संभाला। इन्हीं के कार्यकाल में माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट की शुरुआत हुई। सन 2000 में डॉक्टर श्रीमती शिवानी चटर्जी सातवीं रॉबर्ट सोनियन प्राचार्य थीं, जिनके कार्यकाल में नेक टीम द्वारा कॉलेज को ए ग्रेड प्रदान किया गया। सन 2004 में डॉक्टर सुरेश्वर शर्मा ने प्राचार्य पद संभाला। सन 2006 में डॉक्टर अनुपमा गांगुली प्राचार्य बनी। इनके कार्यकाल में सारे डिपार्टमेंट इंटरनेट सुविधा से जुड़ गए। सन 2010 में डॉक्टर श्रीमती एग्नेस ठाकुर प्राचार्य बनी और 2015 में आठवें रॉबर्ट सोनियन प्राचार्य थे डॉक्टर एम के मिश्रा और 2016 से अब तक डॉक्टर ए एल महोबिया प्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में कॉलेज हर दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। 90 एकड़ के विशाल प्रांगण में हरियाली के बीचों बीच मौजूद इस इमारत में 100 से अधिक विज्ञान प्राध्यापकों से लगभग 3000 विद्यार्थी उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति के साथ ही विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी में स्थित यह महाविद्यालय अपने आप में एक अद्वितीय इमारत को लिए खड़ा है। इस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं हेतु सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। महाविद्यालय के सभी विभाग स्मार्ट क्लास की सुविधा से युक्त हैं। सन 2017 से बीएससी स्तर की परीक्षाएं वर्ष में एक बार संचालित की जा रही हैं और एमएससी स्तर की परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसीलिए ये महाविद्यालय पूरे देश के विद्यार्थियों को अपनी ओर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आकर्षित करता है। वनस्पति शास्त्र। सन 1950 में वनस्पति शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं महाविद्यालय में शुरू हो गईं। वर्तमान में डॉक्टर नीलिमा रायपुरिया विभागाध्यक्ष हैं। विषय के अनुरूप प्रयोगशाला पूर्ण उपकरणों से युक्त है। संबंधित पुस्तकों की लाइब्रेरी और विभिन्न प्रजाति की वनस्पतियों का समृद्ध संग्रहालय भी यहाँ है, जहाँ विद्यार्थी अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करते हैं। विशेषकर शोधार्थी भी प्रयोग और लेखन सफलता से कर पाते हैं। इस विभाग की सारी कक्षाएं स्मार्ट क्लास से युक्त हैं। रसायन शास्त्र विभाग। प्राचार्य डॉक्टर एम जी शब्दे की ही प्रयास से सन 1955 में रसायन शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुई। वर्तमान में डॉक्टर अंजलि वाजपेयी विभागाध्यक्ष हैं। इस विभाग में छात्र छात्राओं के लिए सभी प्रकार के प्रयोगों के लिए प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक अपने विद्यार्थियों की हर तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं। यह विभाग भी स्मार्ट क्लासेस इक्विपमेंट से युक्त है। पर्यावरण विभाग। विश्व की ज्वलंत समस्या प्रदूषण के निवारण के लिए
महाविद्यालय में पर्यावरण पाठ्यक्रम सन 1988 से शुरू हुआ। वर्तमान में डॉक्टर आर के श्रीवास्तव विभागीय दायित्व में है। पर्यावरण विज्ञान विषय यूजी लेवल, पीजी लेवल और डॉक्टरल लेवल पर एक विषय के रूप में उपलब्ध है। इसमें दो कॉम्बिनेशन उपलब्ध है विद्यार्थियों के लिए, एक जियोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ और दूसरा जूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ। पिछले वर्ष में भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट सेंक्शन किया गया और साथ में एक एमओयू भी साइन किया गया है। एक और एमओयू यहाँ पर नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री के द्वारा भी साइन किया गया है और विद्यार्थियों के लिए काफी सुविधाएं शोध की उपलब्ध है। भू विज्ञान शास्त्र, सन 1952 में भू विज्ञान की भी स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई शुरू हुई। वर्तमान में डॉक्टर बी एस राठौर विभागाध्यक्ष हैं। स्नातक स्तर पर वर्तमान में 7 कॉम्बिनेशन में भू विज्ञान विषय का अध्यापन किया जाता है। केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी, केमिस्ट्री जियोलॉजी जूलॉजी, केमिस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस जियोलॉजी, मैथमेटिक्स जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स जियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस प्रकार से कुल 7 कॉम्बिनेशन में स्नातक स्तर पर उपलब्ध है। वर्तमान में 240 सीट पर प्रवेश दिए जाते हैं। इसी प्रकार से पीजी स्नातकोत्तर में 20 सीट पर प्रवेश दिए जाते हैं। जीएसआई एवं डीजीएम के साथ में हमारे लिंकेज डेवलप है जो कि इनको इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क में हमारी मदद करते हैं। और माइक्रोस्कोपी और रॉक्स के तथा मिनरल्स की स्टडी करने के लिए यहाँ पर पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप एंड और माइक्रोस्कोप उपलब्ध है। सर्वेइंग हेतु फील्ड वर्क के लिए घंटन और क्लाइनोमीटर कंपास तो है ही है, इसके साथ ही बायोन्यूक्लियर डंपी लेवल फील्ड सर्वेइंग के अन्य इंस्ट्रूमेंट भी उपलब्ध है। विभाग में प्रागैतिहासिक काल तक की सामग्री छात्रों को अध्ययन के लिए प्राप्त है। संग्रहालय में अनेक प्रकार के पत्थर एवं जीवाश्म के नमूने उपलब्ध हैं। विशेष रूप से महाविद्यालय के पीछे की शिमला पहाड़ी से प्राप्त डायनासोर का अंडा भी यहां पर देखा जा सकता है। इस विभाग में भी विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासेस की सुविधा प्राप्त है। गणित विभाग, प्रारंभ से ही महाविद्यालय में गणित विषय पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में डॉक्टर अनिल कुमार दलेला विभागाध्यक्ष हैं। प्रथम वर्ष से स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं में विषय की सभी शाखाओं का अध्यापन किया जा रहा है जिसमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट भी शामिल है। मिलिट्री साइंस, सन 1972 में मिलिट्री साइंस को स्नातक स्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। वर्तमान में डॉक्टर भारती शर्मा विभागाध्यक्ष हैं। छात्रों को इसके अंतर्गत पुस्तकी ज्ञान के साथ युद्ध में प्रयुक्त किए जाने वाले शस्त्रों की भी प्रत्यक्ष जानकारी दी जाती है। विभाग के संग्रहालय में निरंतर प्रगति हो रही है। भौतिक शास्त्र विभाग, सन 1948 में तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर शब्दे ने भौतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ की। वर्तमान में डॉक्टर एस के श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष हैं। भौतिक शास्त्र विभाग शास्त्रीय विज्ञान महाविद्यालय का संभवतः प्राचीनतम विभाग है। ऑटोनॉमी या स्वशासी सिस्टम आने के साथ ही 1991 में विभाग के ही अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स विषय को प्रारंभ किया गया है। 2002 में यहाँ पर एक और अतिरिक्त स्नातक पाठ्यक्रम BCA चालू किया गया है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के लिए अलग अलग प्रायोगिक कक्षाएं, MSc के लिए 3 अलग से प्रायोगिक कक्षाएं, कंप्यूटर संबंधी कोर्सों के लिए 3 हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर लैब्स और साथ ही रिसर्च के लिए मेटेरियल साइंस, कॉस्मिक रेज और ल्यूमिनेसेंस फील्ड पर रिसर्च चल रही है जिसके लिए अलग अलग लैब्स मौजूद है। भौतिक शास्त्र विभाग में वर्तमान में लगभग 8 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं और MSc स्तर पर हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 25 छात्र प्रवेश लेते हैं। विभाग की प्रयोगशाला में जहाँ नवीनतम उपकरणों का उपयोग हो रहा है वहीं प्रारंभिक काल के उपकरण भी सुरक्षित रूप से रखे हैं। यहाँ विद्यार्थियों के लिए अलग से कंप्यूटर लैब भी है। प्राणी शास्त्र विभाग, प्राणी शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं
सन 1952 से प्रारंभ हो गई। वर्तमान में डॉक्टर जयश्री शर्मा विभागाध्यक्ष हैं। यहाँ देखने लायक विशेष बात यह है कि विभाग का प्राणी संग्रहालय अदिति है, जिसमें संसार के लगभग सभी वर्ग के प्राणियों के शरीर संरक्षित कर रखे गए हैं, जो विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान देते हैं। अन्य विभागों की तरह भी यह विभाग स्मार्ट क्लासेस इक्विपमेंट से युक्त है। इस आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से विद्यार्थी विषय का और गहन अध्ययन कर पाते हैं। हिंदी विभाग। महाविद्यालय में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का भी शिक्षण किया जाता है। हिंदी विभाग में वर्तमान में डॉक्टर तनुजा चौधरी विभागाध्यक्ष हैं। अंग्रेजी विभाग। अंग्रेजी भाषा के वर्तमान हेड डॉक्टर सुजाता कुमार हैं। दोनों विभाग में पाठ्यक्रम के साथ साहित्यिक गतिविधियां भी संचालित होती हैं। शासकीय स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय में विद्यार्थी अपना कैरियर का ठीक चुनाव कर सकें, इसके लिए महाविद्यालय में विवेकानंद मार्गदर्शन केंद्र भी है, जहां शिक्षक विद्यार्थियों को कैरियर सिलेक्शन करने में मदद करते हैं। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के कुछ विभागों में विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिसमें से एक है सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी। यूजीसी सीपी एंड डीएसटी एफआईएसटी से सहायता प्राप्त है। इस महाविद्यालय में केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब की स्थापना की गई है, जो किसी भी शासकीय महाविद्यालय के लिए एक अनूठी उपलब्धि है। इस प्रयोगशाला में अत्यंत सुग्राही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स स्थापित किए गए हैं, जो एफटीआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर और अभी हाल में ही एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर यहां पर स्थापित किया गया है। इन सुविधाओं का लाभ न सिर्फ यहां इस महाविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर्स और विद्यार्थियों को मिलता है, बल्कि आसपास के महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालय से भी विद्यार्थी और शोधार्थी यहाँ सुविधा का लाभ लेते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स लैब डॉक्टर अरुण कक्कर के गाइडेंस में संचालित की जा रही है, जहाँ विद्यार्थी और शोधार्थी अपने प्रयोगों के लिए हर तरह की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पॉलीमर के वेरियस एस्पेक्ट के रिसर्च के लिए यहाँ तीन अलग अलग लैब मौजूद हैं। पॉलीमर लैब, जो डॉक्टर एस के वाजपेयी और डॉक्टर मंजुला वाजपेयी के गाइडेंस में संचालित की जा रही है। पॉलीमर रिसर्च लैब, जो डॉक्टर अंजलि वाजपेयी के गाइडेंस में संचालित की जा रही है। और बोस मेमोरियल रिसर्च लैब, जो डॉक्टर ए के वाजपेयी और डॉक्टर जया वाजपेयी के गाइडेंस में संचालित की जा रही है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लैब डॉक्टर एस एन शुक्ला और डॉक्टर प्रतीक्षा गौर के गाइडेंस में संचालित की जा रही है। बायोटेक लैब, यहाँ विद्यार्थी अपने प्रयोगों में पूर्णतः परिणाम प्राप्त कर सकें, इसके लिए आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को उनके परीक्षणों के सफल परिणाम के लिए मदद करते दिखाई देते हैं।
शिक्षा की दृष्टि से जो है मैं बताना चाहूंगा कि इस महाविद्यालय में जो सराउंडिंग एरिया के जिले के जो विद्यार्थी हैं और उनमें भी जो सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं वही जो है इस महाविद्यालय में प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा जो हमारी सीट है वो लगभग जो है 70% के आसपास जो है पूरे विद्यार्थियों से कवर हो जाती है। तो यहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भी पूरे प्रदेश के क्रीम विद्यार्थी आते हैं, और निश्चित रूप से जब ऐसे विद्यार्थी संस्थाओं में पढ़ते हैं तो उनका रुझान जो है पढ़ाई के प्रति होता है। पढ़ाई लिखाई के अलावा इस हेरिटेज कॉलेज में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 2000 दर्शकों की क्षमता वाला एक सभा कक्ष मौजूद है जो पूर्णतः आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। संस्था का समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास है। इसने सम्मेलन से लेकर राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के युवा सौ में अनेक बार पुरस्कृत हुआ है। सभा कक्ष के अलावा एक सुसज्जित कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें समय समय पर सेमिनार, बैठकें एवं अन्य शैक्षणिक कार्य होते हैं। एनसीसी और राष्ट्रीय सेवा योजना, प्रारंभ से ही महाविद्यालय में एनसीसी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्राओं को सिग्नल शाखा और छात्रों को आर्म्ड आर्टिलरी और सिग्नल्स एवं नेवी शाखा उपलब्ध कराई जाती है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाइयां चलती हैं, जिसके अंतर्गत छात्र ग्रामीण क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। लाइब्रेरी, महाविद्यालय में बीएससी स्तर के लिए ग्रंथालय, वाचनालय एवं समाचार पत्र पत्रिका दीर्घा है। मुख्य 7 विभागों के एमएससी स्तर के उप ग्रंथालयों को मिलाकर संस्था में कुल 61,800 पुस्तकें मौजूद हैं। साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लगभग 25 शोध पत्रिकाएं भी नियमित रूप से आती हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी भी मौजूद है जिन्हें विद्यार्थी वहाँ मौजूद कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उपयोग कर सकते हैं। इस महाविद्यालय की कैंटीन में हमेशा ताजी स्वच्छ खाद्य सामग्री तैयार की जाती है। यहाँ की विशेषता ये है कि इस कैंटीन में प्राध्यापकों तथा छात्र छात्राओं की अलग अलग बैठने की व्यवस्था है। कैंटीन के ठीक पीछे महाविद्यालय में एक वानस्पतिक उद्यान भी मौजूद है। यहाँ भिन्न भिन्न वनस्पति समुदाय के पौधे एवं वृक्ष हैं, जो अध्ययन के साथ ही स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। पार्किंग, महाविद्यालय में हर तरह के वाहन खड़े करने की पूरी सुविधा मौजूद है, जहां प्राध्यापकों के लिए अलग और छात्र छात्राओं के लिए अलग वाहन स्टैंड मौजूद हैं। हॉस्टल, इस प्राचीन महाविद्यालय की प्रसिद्धि दूर दूर तक प्रचारित है, इसलिए अन्य स्थानों से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। छात्रों के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की व्यवस्था है। वहीं छात्राओं के लिए पूर्ण सुरक्षित रहवासी छात्रावास उपलब्ध है। स्पोर्ट्स, समग्र शिक्षा में कक्ष, मंच और मैदान तीनों को ही माना जाता है। महाविद्यालय में खेल विभाग भी मौजूद है। वर्तमान में विभागाध्यक्ष श्री रमेश शुक्ला जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में विद्यार्थी कई तरह के खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह बैडमिंटन कोर्ट है जहां छात्र छात्राएं इस खेल में निपुण होते हैं। यह मैदान फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों खेलों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा महाविद्यालय के ठीक सामने एक ग्राउंड और मौजूद है जहां छात्र छात्राओं के लिए कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं तथा उनका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। शासकीय स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय अपने काम करने वाले कर्मचारियों और पढ़ाने वाले प्राध्यापकों की सुविधाओं का भी ख्याल रखता है। चूंकि शहर से दूरी होने की वजह से यहाँ अन्य कई तरह की सुविधाओं के साथ कॉलेज से मात्र 100-200 मीटर दूर ही प्राध्यापकों के रहने के लिए प्रोफेसर कॉलोनी,
और एपी कॉलोनी बनाई गई है और वहीं पास में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रहवास निर्मित किए गए हैं ताकि अपनी सेवाएं देने में दूरी बाधक न बने। सन 1990 में यूजीसी नई दिल्ली द्वारा कॉलेज को स्वायत्तता प्रदान करने के बाद यह कॉलेज अपने छात्र छात्राओं की परीक्षा संचालन करने में अब सक्षम था। परीक्षा विभाग वर्तमान में डॉक्टर कार्तिक घोष के द्वारा संचालित किया जा रहा है। परीक्षा विभाग का प्रारंभिक सॉफ्टवेयर डॉक्टर एस के श्रीवास्तव द्वारा डेवलप किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर सुशील कुमार दुबे के गाइडेंस में आउटसोर्सिंग करके इस सॉफ्टवेयर को एडवांस बनाया गया जो कि परीक्षा विभाग की सारी जरूरतों को पूरा करता है। शासकीय स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय जो अपने इतिहास में न जाने कितने तथ्यों को अपने आप में समेटे हुए है, न जाने कितने भविष्यों का निर्माण किया है और अपने आदर्शों पे चलते हुए अपने मार्ग पर अटल है। और यही कारण है कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाला हर विद्यार्थी इस कॉलेज में अपने बिताए उन पलों को कभी भूल नहीं सकता, बल्कि उन्हें और तरोताजा करने के लिए आपस में मेल मिलाप समय समय पर होता रहता है। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉलेज का नाम न केवल देश में अपितु पूरे विश्व में रोशन किया है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री आपका रविशंकर शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र, फिर जगमोहन दास और मनमोहन दास, ये भी साइंस कॉलेज के रहे, और जगदीश नाना अवस्थी, ये भी साइंस कॉलेज के रहे। वर्तमान में भी हमारे जबलपुर के साइंस सांसद जो साइंस कॉलेज के रहे, और दमोह के सांसद प्रहलाद पटेल और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, ये साइंस कॉलेज के रहे। और वर्तमान में जो मिनिस्ट्री बनी है मध्य प्रदेश में, उसमें लखन घनघोरिया जो मंत्री बने हैं, ये भी साइंस कॉलेज के रहे। वैज्ञानिकों में शिव प्रसाद कोस्टा जो कि वर्तमान में श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज भी चला रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पढ़ाई की, यहाँ शिक्षक भी बने और उसके बाद इस कॉलेज के प्रिंसिपल बनकर यहाँ से रिटायर भी हुए। सो आई कंसिडर माई सेल्फ हाईली ऑनर्ड एंड फेवर्ड बाई गॉड दैट आई गॉट दिस प्रिविलेज ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ साइंस कॉलेज इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। वट एवर वी हैव लर्नड, इट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइंस कॉलेज एंड आई एम रियली कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट। 1960 बैच के हों या 1990 बैच के, इन सभी में एक बात कॉमन है कि जब भी ये मिलते हैं गर्म जोशी से मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं। ये प्रमाण है कि शिक्षा के साथ संस्कार देने में ये महाविद्यालय पूर्णतः सफल रहा। धन्यवाद।